ग्वालियर में पुश्तैनी जमीन का सौदा कर बिल्डर को ठगने का मामला सामने आया। दरअसल राघवेंद्र अवस्थी का 2 साल पहले संजय मोहित से संपर्क हुआ था। संजय ने तब ऑफर रखा था कि माधवगंज में मोहित का बाड़ा उसके पुरखों का है, इसे कुछ जमीन बेचना चाहता है। जमीन और लोकेशन पसंद आने पर संजय से 2,20,00,000 रुपए में सौदा तय किया गया। संजय को टोकन में 11,70,000 रुपए देकर एग्रीमेंट कर लिया। कुछ दिन बाद संजय उनसे और 58,30,000 रुपए और ले गया। राघवेंद्र ने बताया कि लगभग 70,00,000 रुपए देने के बाद भी संजय ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और घर से लापता हो गए। पुलिस ने उनकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 2021 में एक व्यक्ति ने दूसरे एक व्यक्ति से प्लॉट लेने के लिए, एक बाड़ा टाइप का प्रॉपर्टी है वो लेने के लिए 70,00,000 रुपए दिया था एग्रीमेंट के ऊपर। फिर वो जो आरोपी है वो एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया, ना तो इनको रजिस्ट्री किया और पैसा वापस लौटा भी दिया, इनको घबरा कर रहा था। तो इस आवेदन के ऊपर वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो सही पाया गया तो उसके ऊपर 420-406 का FIR दर्ज किया। अभी एक ही आरोपी है और इसमें क्या क्या और बात है वो जांच की विषय है, वो अभी हम कर रहे हैं।